Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शास्त्री जी की राजनैतिक गतिविधियां पंडित निष्कामेश्वर जी के संरक्षण में बढ़ती जा रही थीं। शास्त्री जी और उनके युवा साथी मित्रों ने अंग्रेजी स्कूल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें बनारस का वो घर भी छोड़ना पड़ा जहां वे अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। और सन 1925 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहीं उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के समक्ष अपने को पूर्णता राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का संकल्प लिया और आचार्य नरेंद्र देव के कहने पर लोक सेवा मंडल में 100 रुपये प्रतिमाह पर कार्य करना स्वीकार किया। माँ रामदुलारी से आशीर्वाद लेकर वे संपूर्ण रूप से राजनीति में उतर पड़े। 16 मई 1928 को शास्त्री जी का विवाह मिर्जापुर में ललिता जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह मंडप में पंडितों को मंत्र वचन न पढ़ने देकर स्वयं पढ़ा। यद्यपि बुजुर्गों ने इसका विरोध किया, पर शास्त्री जी ने कहा, शादी हमारी हो रही है, साथ हमें रहना है, तो इसमें पंडितों का क्या काम, और स्वयं श्लोक पढ़कर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। शादी की प्रथम रात्रि को शास्त्री जी ने ललिता जी से कहा था, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ गरीबी है और गरीबी का आनंद हर क्षण लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, सबका सम्मान करो और सम्मान पाओ, यही मेरी अभिलाषा है। शास्त्री जी के ये शब्द ललिता जी के जीवन में ब्रह्म वाक की तरह रम गए। इसी एपिसोड में आपने देखा ललिता जी और शास्त्री जी बड़े हो जाते हैं। दिन भर तो तू काम करत रहा था, हम लगाए दे। नहीं माँ जी, आप बैठे, हम लगाए दे। दूध पी ले। अरे बहू, एक नन्हे का दे दो। उनके लिए तो भाग, आप पी ले।
तुम ही पी ले हो। नहीं माँ जी, आप ही पिए। सही हमारे पास बैठो। बहुत दिन से सोचत रहे कि तुमसे एक बात है। बहू, नन्हे हमारा इकलौता लड़का बहुत छोटा था, अभी उसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया। बहुत जतन से पाला है, वो बहुत कष्ट उठाए है बहू, लेकिन बड़ा भला लड़का है। जौन रूखा सूखा दे दे खुशी खुशी खाए लेते है। न उसका ओढ़े का शौक है, न खाए का शौक है, बस एक है धुन में मगन रहते, देश को आजाद कराए की धुन में। बिटिया, हम एक ही बात कहे चाहे थे तुमसे, कभू दुख न दियो, कभू का दिल न दुखाया। बिटिया, अम्मा जी आशीर्वाद दीजिए, मैं उनके लायक बन सकूं, उनकी मनपसंद सेवा कर सकूं। भगवान तुमका हमेशा सुखी रखे बहू, हमेशा सुखी। बहुत रात हो गई है, जा जा अब सो। ललिता, एक घंटा हो गया मुझे आए हुए, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं। अब बस भी करो, थोड़ा काम बाद में कर लेना। बस विमला, ये धोती धो लूं, उसके बाद दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे फुर्सत से। अच्छा विमला, ये बताओ तुम्हारे पति के कपड़े कौन धोता है? धोबी। इसके मतलब तुम उनके कपड़े नहीं धोती? अरे ये चक्कर तो मैंने शादी के अगले ही दिन खत्म कर दिया था। अच्छा, अब वो मुझसे एक रुमाल भी नहीं धुलवाते हैं। इसके मतलब बड़ी सीधी गाय है वो। अरे ये तो पत्नी के ऊपर है, पहले ही दिन से जैसी आदत डाल दो वैसी ही पड़ जाती है। पर शास्त्री भाई साहब के लिए सुना है कि अगर मनपसंद काम ना हो तो नाराज हो जाते हैं। कभी कभी, पर मैं तो उन्हें मौका ही नहीं देती नाराज होने के लिए। अरे ये जो कम बोलते हैं ना, हाँ, इन्हें गुस्सा जरा ज्यादा ही आता है। हाँ अच्छा अच्छा विमला, तुम जरा बैठना, हाँ मैं ये धोती डालकर आती हूँ। बस अभी गई और आई। विमला तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें इतनी देर बैठाई रखी, कपड़े धोती रही। ठीक है। पता है विमला, जब घर में दो ही तीन कपड़े हो ना, तब ऐसा ही करना पड़ता है। हाँ वो तो है। एक काम करते हैं विमला। वो क्या? शाम को जब मेरे पति घर पे नहीं रहेंगे ना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और फिर दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे फुर्सत से। ठीक है, है ना? अच्छा भाई, अब तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगी। हाँ अच्छा, घर पर रहना। अच्छा। हाय माँ, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? ये आते ही होंगे, सूखी की तो मर गई।
अरे ये क्या हो रहा है? धोती धो रही हो और रो रही हो? एक समय में एक ही काम किया करो, या धोती धोया करो या रोया करो। सूखेगी कैसे अभी है? सूखेगी नहीं तो क्या गजब हो जाएगा, हम दूसरी धोती निकाल कर पहन लेंगे। तुम जल्लाद है कोई क्या? किसी ने तुमसे मजाक कर लिया? हमने सुना है जो बहुत कम बोलते हैं उन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तुमने इसे सच समझ लिया? मामे बड़े उकी मात्रा न मून, मून माने चांद। मामे बड़े उकी मात्रा न मून, मून माने चांद। मामे बड़े उकी मात्रा न मून, मून माने चांद। कुछ याद हुआ? जी कर तो रही हूँ। यदि रोज एक घंटे मन लगाकर अंग्रेजी पढ़ोगी तो अंग्रेजी आ जाएगी। पर आप हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात थोड़ी ना, ये तो नॉलेज की चीज है, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप तो अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों के विरोधी हैं। विरोधी हूँ पर मैं तुम्हें मेम साहब नहीं बनाना चाहता। देखें क्या पढ़ा। सन, सन माने चांद। सन माने चांद। मून, मून माने मून, मून माने तारा। मून माने तारा। तारा कुछ नहीं समझती, बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम्हें आगे पढ़ाना बिल्कुल बेकार है, पिछला ही याद नहीं रहता। नहीं आप आगे पढ़ाइए, अब गलती नहीं होगी। अच्छा अर्थ माने क्या होता है? अर्थ माने अर्थ, अर्थ यानी मतलब। हिंदी में अर्थ माने मतलब होता है, अंग्रेजी में बतलाया था अर्थ माने पृथ्वी, धरती, समझी? जाओ कल पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ा करो। जी अच्छा। नमस्ते ललिता बहन। वाह कांता बहन, सुबह से मैं दो बार संदेशा भेज चुकी हूँ और तुम अब आ रही हो? अरे मैं चलने ही वाली थी तभी खबर आई कि यकायक महिला समाज की बैठक है और मुझे फौरन पहुँचना है और मुझे वहाँ जाना पड़ गया। पर तुम्हारा संदेशा मुझे वहाँ दो बार मिला, मैंने सोचा ऐसा कौन सा आसमान टूटा पड़ा है। फिर जब तुम्हारा संदेशा मिला तो मुझे लगा कोई खास ही बात है। कहो खैरियत तो है? तुम्हें मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। ओफो इतनी सी बात, तिल का तार बना दिया। अरे हिंदी उर्दू फारसी नहीं, सीधे सीधे अंग्रेजी ही सीखोगी? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें मुझे अंग्रेजी पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे ललिता बहन मैंने कभी पढ़ाने का काम नहीं किया। देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, और फिर तुम तो 12 दर्जा पास हो। मैंने अम्मा जी से भी कह दिया है कि मैं अंग्रेजी कांता बहन से ही सीख कर रहूंगी। शास्त्री भाई साहब के कहने पर मैंने बनारस छोड़ अलाहाबाद राजनीति क्षेत्र चुना, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें अंग्रेजी भी सिखानी पड़ेगी। अब चाहे तुम हंसो चाहे रो, मैं अंग्रेजी तुम्हें से सीख कर रहूंगी। रानी विक्टोरिया से मिलने जा रही हो क्या, जो अंग्रेजी आनी ही चाहिए? चलो यही समझ लो, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है अंग्रेजी तो मैं तुम्हें से सीख कर रहूंगी। अरे ऐसा कौन सा गजब हो गया, क्या मैं जान सकती हूँ? वो तुम्हारे भाई साहब है ना? हाँ। वो सोचते हैं मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, कुछ सीख ही नहीं सकती, और खास तौर से अंग्रेजी। तो इतनी सी बात है, अगर मामला इतना गंभीर है तो कल से पढ़ाई शुरू। कल से क्यों, आज से, अभी से। तो फिर ठीक है, लाओ कलम दबा दिखाओ, मैं पढ़ाती हूँ। ए यानी आ, आ। बी, बी यानी ब, बा। हाँ। सी,
सी यानी सा। हाँ अब पढ़ो अ द स। अरे अंग्रेजी में पढ़ो। अंग्रेजी सरकार के जासूस। इसके मतलब जासूस आपके पीछे पड़े हैं? जासूस वारंट लिए घूम रहे हैं, उन्हें चकमा देना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। इतना क्यों घबरा जाती हो? कभी बाहर निकलो तो देखो तुम्हारी बहनें किस प्रकार लाठियां झेल रही हैं, जेल जा रही हैं। तुमने ये भेष देखा और चीख पड़ी, मेरी धर्म पत्नी और इतने कमजोर दिल की। बैठिए ललिता जी। हमारे साथी लोग जैसे प्रदर्शन और धरने में जाया करते हैं, तुम भी जाया करो। मैंने आपसे कहा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। कितने सारे पराये लोग खड़े रहते हैं। और लोग नहीं जाते क्या? आपकी तरह की कितनी औरतें रोज धरने में जाती हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं ये सब नहीं कर सकती। कभी शराब की दुकान पर, कभी कहीं, पता है लोग घूर कर देखते हैं। फालतू बातें छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को पर्दे की ओट में छुपा रखा है और दूसरों को धरने गिरफ्तारी के लिए भेजते हैं। हे ईश्वर, गिरफ्तारी भी हो सकती है। डर गई क्या? जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया था, अपनी तो आधी जिंदगी ही जेल हवालात में कटनी है। देखिए, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। ठीक है, बताइए क्या कहना होगा। बस यही कहना होगा, विलायती सामानों को छोड़िए और स्वदेशी सामान अपनाइए। ठीक है। कब से चल रहे हैं? जब से आप कहिए। कल ही से चलिए। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। कांता बहन, तुम रौबदाब से बात कर सकती हो, तुम ही उससे बात करना, वो तुम्हारी बात मान लेगा। जी नहीं, आज के प्रदर्शन की अगुवाई आपको ही करनी है। अरे आज जब गर्म है। भाई साहब, आप शराब क्यों पीते हैं? आपको क्या तकलीफ है भाई? आप हैं कौन? ये लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्म पत्नी ललिता शास्त्री जी हैं। अरे अरे पालागी बहन, पालागी, हमें माफ कर दो बहन जी, शास्त्री जी की पत्नी। जब घर छोड़कर देश की आजादी के लिए सड़क पर आ गई, अरे तो हम शराब नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब आप जाकर और शराबियों को शराब पीने से रोकिए, हमें अपने देश को आजाद कराना है। अंग्रेजी छोड़ो!
भाई साहब, विदेशी सामान के अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते। हकीकत यही है बहन जी, हकीकत यही है। हम, मैं या आप, बिना विदेशी सामान के कोई नहीं रह सकता। क्या मतलब? ये आपकी जो चूड़ियां हैं जी, ये आपके सुहाग की निशानी हैं। हाँ। ये भी विदेश से बन के आई हैं। और ये मेरी घड़ी, ये भी विदेशी है। अगर मैं इन चूड़ियों को तोड़ दूं तो मैं अपनी ये घड़ी तोड़ दूंगा। अच्छा, लीजिए भाई साहब, मैंने ये चूड़ियां तोड़ दी, अब आप अपनी विदेशी घड़ी तोड़िए। ये भी कोई बात हुई? अरे आपका दिमाग सनक गया तो क्या मैं भी? आपने बड़े आए अच्छे, अपनी चूड़ी तोड़ दी तो मैं अपनी घड़ी तोड़ दूं, अपना सारा सामान फेंक दूं। चलो कांता बहन, हम लोग चले यहां। चलो, आओ, चलो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप ये सब बातें अपनी धर्मपत्नी से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? पर छोड़िए इन बातों को, अब असली मुद्दे पर आइए और कहिए आपको मुझसे क्या चाहिए। अब मैं समझ गई, जब मैं आपके हाथ में ये टोपी देखती हूँ ना, और आपका ये सर खुजलाना, मुझे पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं ठीक ठीक कह दूँ तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? धन के सिवाय जो मांगो वही इनाम देंगे। देंगे ना? बिल्कुल। मैं कहूँ, आपको इस समय पैसों की सख्त जरूरत है, ठीक है ना? अरे वाह, तुम भी कमाल हो, हमारे हाव भाव को देखकर तुमने मेरे दिल की बात जान ली। अब मेरी तारीफ छोड़िए और कहिए आपको कितने पैसों की आवश्यकता है? पैसे नहीं, हमें तुम्हारे गहने चाहिए। गहने? कोई खास बात है क्या? चाचा जी के व्यापार में घाटा हो गया, उन्हें देना है। अच्छा, पर मेरे पास तो बहुत गहने हैं नहीं। जो है वही दीजिए, हमने उनसे वादा किया है। मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब आपने चाचा जी से वादा कर ही दिया है तो उन्हें गहने तो देने ही पड़ेंगे। जब सुहाग रहेगा तो और गहने बन जाएंगे। पर मेरी आपसे एक विनती है। क्या विनती है? मैं ये कह रही थी कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने बिछुए, नथनी और टीका अपने पास ही रख लूं। ये सुहाग की निशानी होती है ना, इसलिए। ठीक है, रख लो, बाकी गहने दे दो। आप बैठिए, मैं अपने गहने लेके आती हूँ। चल। गहने बांध लीजिए। हमें बड़ा अफसोस है। किस बात का? तुम्हें हम कोई सुख नहीं दे सके। तुम्हारा अगर किसी संपन्न परिवार में विवाह हुआ होता तो ये नौबत ना आती कि गहने
चाचा जी को देने पड़ते। ऐसा क्यों कहते हैं आप? आपको बच्चों की कसम अगर आपने ऐसी बात फिर मुंह से निकाली, मुझे भला क्या दुख हो सकता है? सब कुछ तो है मेरे पास, अम्मा जी हैं, भगवान की दया से प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप जैसा नेक पति है, और भला हमें और क्या चाहिए? मिर्जापुर अपने ससुराल जाओगी तो लोगों से क्या कहोगी? किस बारे में? गहने क्या हुए? उसकी चिंता आप ना करें, मैंने बहाना सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कह दूंगी, यही कि गांधी जी के कहने के अनुसार मैंने गहने पहनने छोड़ दिए। वाह, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, तुम्हारे जैसी धर्मपत्नी हमें मिली। कितना महान था वो धरती काला, वो धरती काला। शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का।